हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे JVVNL हेल्पर 2 की कट ऑफ के बारे में। आंसर की आने के बाद कट ऑफ ये रहने की संभावना है। आंसर की भी बोर्ड ने ऐसी दी है कि अपने जो ऑप्शन किए थे वो तो बता नहीं रहे, सिर्फ वही बता रहे हैं कि इस ऑप्शन का उत्तर ये है। लगभग अभ्यर्थियों के अनुमान से 4-5 क्वेश्चन, सब तो याद नहीं रह सकते, 4-5 क्वेश्चन का फर्क रह सकता है कि हमने क्या टिक किया था। हम अलग अलग कंपनी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ये देखो, ये कट ऑफ हो सकती है। हम सबसे पहले बात करेंगे JVNL हेल्पर कट ऑफ की। इसमें जनरल की 80 से 82, ओबीसी की 77 से 80, और एससी की 73 से 77, और एससी की 70 से 73 के बीच में रहने की संभावना है। इसके बाद JDVVNL जोधपुर की 81 से 83, जनरल की, ओबीसी की 78 से 81, और एससी की 75 से 78, और एसटी कैटेगरी की 72 से 75। इसके बाद अजमेर में जनरल की 79 से 81, ओबीसी की 76 से 79, एससी की 72 से 76, और एसटी की 70 से 72। लास्ट में हम बात करेंगे RRVNL की। इसमें जनरल की 75 से 78, और ओबीसी की 72 से 75, और एससी की 70 से 72, और एसटी की 68 से 70। इसमें सबसे अधिक जयपुर की रहने की संभावना है, क्योंकि जयपुर में पोस्टें भी ज़्यादा थी और फॉर्म भी ज़्यादा आए थे, इसलिए जयपुर की सबसे ज़्यादा रहेगी। सबसे कम RRVNL की रहने की संभावना है, क्योंकि इसमें पोस्टें भी लगभग कम ही थी और फॉर्म भी सबसे कम इसी में आए हैं। लगभग 30,000 का अनुमान है कि 30,000 फॉर्म आए थे RRVNL। इस कारण से सबसे कम RRVNL की रहने की संभावना है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।